हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि नूर बोलती है, आप लोग आई होप आप लोग ठीक होंगे, तो ठीक ही होंगे। तो मैं इसलिए व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि नूर की हो रही है तबीयत ख़राब, और तबीयत ख़राब ऐसे हुई कि कल हम फ्राइडे की नमाज़ का व्लॉग बना रहे थे, तो मैं नमाज़ पढ़ने गया। नमाज़ पढ़ के जब वापस आता हूँ तो अम्मी कहती हैं कि नूर को डॉक्टर के ले जाओ, तो डॉक्टर के जाके दवाई दिलवा कर ले आओ। तो मैंने जब आके देखा तो अंदर नूर बिल्कुल हालत उसकी ख़राब, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। उसको देख के मेरी हालत ख़राब, क्योंकि जब मैं गया था तो बिल्कुल सही छोड़ के गया था, और जब आके देखा तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। और आप मेरी हालत से देख ही रहोगे कि कल से अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं नहा भी लेता, तो मैं नहा भी नहीं पाया इस चक्कर में, और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। क्योंकि कल रात तक मैं इधर उधर भागता गया डॉक्टरों के पास उसको लेके, और वाकई में बहुत बुरी हालत थी। क्योंकि उसके पता नहीं क्या पेट में दर्द हुआ था, क्या हुआ था, मुझे ऐसा लगा कि उसके स्टोन वगैरह है पेट में, पथरी वगैरह है, मगर ऐसा कुछ है नहीं। पेट का दर्द था, नॉर्मल सा दर्द था, पता नहीं कैसा था, मगर डॉक्टरों ने भी बहुत ज़्यादा डराया मुझे। देखो, मैंने उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह सब करवाया, रिपोर्ट वगैरह सब लेकर आया हूँ। ये देखो, अल्ट्रासाउंड भी करवाया और रिपोर्ट भी आ गई, मतलब सब में नॉर्मल ठीक आया। तो जब जाके मुझे सुकून मिला कि हाँ जी, अब ठीक है, बढ़िया है हालत, मगर टेंशन तो टेंशन हो जाती है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, मगर वो कुछ भी नहीं था, ऐसे ही नॉर्मल था, दर्द था, पेट का दर्द था, मगर अल्लाह का शुक्र है कि अब ठीक है। और मेरी भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मुझसे देखा नहीं गया। मेरे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, और जुम्मे की नमाज़ के बाद से मैं इस तरीके से लगा रहा रात तक बहुत रात तक उसको डॉक्टर के लेके गया था। तो डॉक्टर के बहुत टाइम भी लगा, डॉक्टर के साथ आने के बाद फिर उनको लिटाया, मतलब थोड़ा आराम करवाया, और उसका कुछ भी खाने का भी दिल नहीं कर रहा, क्योंकि तबीयत जब ख़राब हो जाती है तो इंसान का खाने का दिल करता नहीं है। और हम लोगों को गर्मी लग रही है, उसको सर्दी लग रही है, और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे सर्दी में मतलब रजाई ओढ़ के सो रही हो। ये देखो, दिख रहा है, रजाई ओढ़ के सो रही है, इतना बुरा हाल है। गर्मी ऐसी हो रही है, ख़तरनाक वाली गर्मी हो रही है, और ये रजाई ओढ़ के सो रही है, क्योंकि इनको ठंड ज़्यादा लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है तबीयत ख़राब में इंसान के साथ कि ठंड ज़्यादा लगने लगती है। तो इस चक्कर में ये सो रही है, मैंने इनको इसलिए उठाया नहीं, कुछ भी नहीं करा। बाकी व्लॉग मैं इसीलिए बना रहा हूँ, ये जब ठीक हो जाएंगी तो ये खुद ही डाल देंगी व्लॉग बना के, तो मैंने सोचा कि मैं ही कर लेता हूँ ये काम, थोड़ा सा काम है, मुझे आता नहीं है ऐसा कुछ बनाना, बाकी इनसे इनको देख देख के सीख लिया है थोड़ा सा। तो जब ये उठेंगी, ठीक हो जाएंगी, तो ये खुद ही व्लॉग डाल देंगी, तो इस व्लॉग में आप देख लीजिएगा, और इस व्लॉग में मैं वीडियो भी डालूंगा, वो जुम्मे की कल की जब हमने एक वीडियो बनाई थी, व्लॉग बनाने के लिए वीडियो बना रहे थे, जब मैं वापस आया तो फिर तबीयत ख़राब हो गई थी, तो तबीयत ख़राब की वजह से हम व्लॉग नहीं बना पाए और ना ही डाल पाए। तो इसी वजह से मैंने ये व्लॉग बनाया है, छोटा सा है, थोड़ा सा बनाया है, तो थोड़ा सा ये खुद ही डाल लेंगी जब उठेंगी, बाकी मैं देखता हूँ अगर उठ जाए तो। नहीं, उठ रही, उठ गई, उठ गई, हंस रही है। क्या सुन रही थी तुम मेरी बातें? तुम मेरी बातें सुन रही थी? तुम पागल हो यार, कुछ भी करते रहते हो, खुद ही रहो भी। यार ये क्या बात हुई, तुम मेरी बातें सुन रही थी बातें मेरी? तुम व्लॉग बना रहे हो? मैंने यार छोटा सा व्लॉग बनाया, असल में तुमने बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा मैं बना के डाल देता हूँ, तो तुम डाल देना, छोटा सा व्लॉग है। क्यों, बुरा लगा? नहीं लगा, मजाक बना रहे हो? अबे यार, मैं मजाक नहीं बना रहा यार, तुम वीडियो में देख लेना, मैंने कहीं मजाक वाली बात बोली नहीं है। तो मेरी हालत तो देखो, मेरी हालत क्या है, मैं अब नहा सकता हूँ? मैं तो मैंने मना किया कि नहाने को, यार मैं हूँ या तुम्हारी तबीयत खराब थी, अब टाइम तो मिला ही नहीं बिल्कुल भी, टाइम मिलता तो मैं करता भी कुछ। कैमरा पे
कंघा बाल भी नहीं बना रखे तुमने, कोई बात नहीं। अब सर्दी लग रही है? थोड़ी बहुत। अब भी सर्दी लग रही है? बहुत कब कभी लग रही थी। ओह, यहाँ पसीना आ रहा है। तो क्या क्यों बुराई करी मेरी? मैंने कोई बुराई नहीं करी, बस सिर्फ बता रहा था कि तुम्हारी किस तरीके से तबीयत खराब हुई। और डाइट में बीमार हो गई सडनली, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं, मुझे क्या हुआ। मैं अपनी ये चले गए जुम्मा की नमाज पढ़ने, तो मैंने अपने कपड़े प्रेस करके मतलब निकाली कर रही थी, और मैं जैसे ही नहाने जा रही थी तो मैं अचानक मेरे पेट में दर्द उठा बहुत तेज। तो उसके बाद अम्मी घबरा गई कि क्या हुआ। तो मैं अम्मी कह रही डॉक्टर के सोच के इनकी बातों को इग्नोर मारो, मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है, अब मैं बहुत पहले से बहुत अच्छी हूँ। और इन्होंने ये अपडेट दे रहे हैं शायद आप लोगों को, तो मैं जैसे ही ठीक हो जाऊँगी तो मैं ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं सच में ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ। तो बाकी आप लोग मेरे लिए दुआ करना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो अभी भी दवाई के लिए हाँ 9 बज गए हैं, अभी दवाई लेने जाना है। डॉक्टर के पास जाना है। कौन सी जगह पे जाना है? पहाड़ी। मेरे को लगा मसूरी जा रहा है। तो पहाड़ी पे इनको दवाई दिलवाने लेके जाना है, वहाँ पर डॉक्टर है, कोई लेडी डॉक्टर है, उनको दिखाना है ताकि इनकी आवाज सुनाई दे रही है, ये इतना धीरे स्लो बोल रहे हैं। मेरी चिल्ला के बोलूं मैं, सब सुनेंगे क्या? खैर बस आप लोग मेरे लिए दुआ करना, बस वैसे सब कुछ हुआ, कुछ ऐसा आया नहीं, वो मुझे पेन हो गया था दर्द, पता नहीं किस वजह से हुआ था। तो बाकी अल्ट्रासाउंड में तो ऐसा कुछ भी नहीं आया, तो शायद गर्मी भी बहुत है। और बाकी मैं तो अब जाऊंगा आपको लेके दवाई दिलवाने। तो आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, ठीक हूँ, पहले से बहुत बेटर फील कर रही हूँ। और हाँ, मेरी मतलब मेरी अम्मी और मेरी ननद जो है उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। हाँ सच्ची। और अम्मी ओ बस खुश हूँ मैं ठीक हूँ अब। बोला भी नहीं जा रहा, आवाज भी नहीं निकल रही। मैं इसलिए नहीं बोल पा रही नहीं, क्या वीडियो बना रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हंसोगे आप लोग। अरे कोई बात नहीं, छोटी सी अपडेट है, वो अपडेट दे रहा है, कोई बात नहीं, क्या पता किसी को अच्छा लग जाए मेरा बनाना भी। हाँ ये आजकल बहुत एक्साइटेड हो गए हैं, ये कहते हैं मैं ब्लॉग बनाऊंगा। और मुझे थोड़ी सी हंसी इस वजह से भी आई क्योंकि मैंने आज अनस भाई का ब्लॉग देखा और टीवी फूटने वाला जो उन्होंने अपनी अम्मी पे प्रैंक किया है। बहुत अच्छा है। थोड़ा सा देखा अच्छा था कर रहे हैं, तो उनकी वीडियो मुझे खुद अच्छी लगती है। तो आप लोग उनकी वीडियो भी देखो, लाइक करो, शेयर करो, और साथ के साथ इनको भी बोलो। मुझे क्या बोलोगे मैं भाई, मैं किसी भी गिनती में नहीं आता, आप गिनती में आते हो, वो लोग गिनती में आते हैं, आप लोग सेलिब्रिटी लोग हो, हम थोड़ी हैं सेलिब्रिटी, हम तो नॉर्मल आदमी है, छोटे मोटे इंसान है, गरीब आदमी, आप सेलिब्रिटी लोग, क्या बोल सकता हूँ मैं, कुछ भी नहीं। तो आप रख दो ना, बस बहुत बताओ, बस हाँ इतने था, हाँ बस इतने बोलना था, बस आप लोग मेरे लिए दुआ करना यार, और मैं इस अमीर आदमी के लिए दुआ करना, ओ अमीर लड़के के लिए दुआ करना कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, फिर जल्दी से हम वीडियो बनाने लगे, क्योंकि यार 2 दिन से वीडियो नहीं बनाई, इंस्टा पे भी नहीं डाल रही, सब पुरानी, कहाँ से डालें तुम वीडियो बनाने को, तो यार हालत ही मेरी ऐसी खराब कर रखी है तुमने, भगा भगा के खुद तो पड़ी हो, लेट हुई हो, और मेरी हालत और खराब है। मेरी अम्मी कहती है आप लेटर हो, उठो मत, क्यों उठ गई, बार बार आके 10 बार आती दिन में कि क्या कर रही हो, लेटी क्यों हो, फोन क्यों चला रही हो, मैं पूरे दिन भी लेट नहीं सकती, मैं फोन चलाती हूँ, मना कर रही हूँ, फोन मत चलाओ। इनके चक्कर में मुझे भी गर्मी में भी बैठना पड़ रहा है, गर्मी आए, फैन तक बंद कर रखा है मैंने, ये देखो। तो फैन भी बंद है, बहुत बुरा हाल है, और लाइट छत पे पड़ेगी ना तो पता चलेगा, मुझ पे ही पड़ रही है साथ साथ, समझ में आया, नहीं, आपकी तबीयत खराब है तो मैं भी, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि पुरानी दिल्ली में पतली पतली गलियां होती हैं, बहुत मुश्किल है, और कहीं कहीं पे मतलब, और सडनली कल ऐसा हुआ कि भी मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए ले जा रहे थे, तो यहाँ पे कोई जगह है, कौन सा
टूटा हुआ था, रास्ता बन रहा था उसका। अभी उन्होंने मुझे दोबारा मोड़ के डिलाइट था ना, डिलाइट के पीछे से ले गया जो है ना, उसने डिलाइट के पीछे से ले गया, डिलाइट के पीछे से ले गई मुझे तो घुमा के, पेट में दर्द हो रहा मुझे उधर उधर, और गड्ढे इतने यहाँ पे, मैं तो कुछ सब बाहर ऐसा लग रहा था ना कि कुछ नहीं समझ रहा था क्या। ये दिल्ली है मेरे यार, बस एक मोहब्बत प्यार, लेकिन ऐसे किसी के साथ होना। चलो मैं तो जा रहा हूँ फिलहाल, आप भी चल रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, तो अभी डॉक्टर के चले, फिर बाद में फिर आप मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, गुड बाय। मैंने उनकी कपड़े निकाल दिए और प्रेस भी कर दिए हैं। जब कपड़े प्रेस कर रही थी तो मुझे इसमें गाइस पैसे मिले, तो मैं आपको दिखाती हूँ पैसे की हालत क्या है। मुझे जो इसमें पैसे मिले हैं ये देखो, मैंने चेक करके नहीं धोया था इसको, वॉश किया था, और ये है 30 रुपये, पता नहीं कितने पैसे हैं ये, 10, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ सही से। ये देखिए गाइस, ऐसा होता है आप लोगों के साथ भी, और इनकी प्रेस ख़राब कर दी। और ये आ चुके हैं नहा के, और ये जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं, और टाइम देखो नमाज निकलने वाली है, और ये अभी तक घर पे ही हैं, तो अभी ये फटाफट, ये 30 रुपये मेरे हैं कितनी जल्दी जेब में रख लिया तो अब ये जाएंगे, बहुत लेट हो चुके हैं, नाश्ता भी नहीं किया इन्होंने अभी, तो नाश्ता आगे कर, नमाज के देर हो रही है, देर हो रही है, आके नाश्ता करोगे? हाँ नाश्ता आगे करो। अच्छा, और ये सुबह सुबह कैमरा कैसे लेके खोल गई? मैं सोचा एक ब्लॉग बना लूं, बहुत टाइम हो गया, ये दिखा दो नंगा पुंगा दिखाने क्यों नंगे पुंगे हो, तुमने कपड़े नहीं पहन रखे? पहने ना कपड़े स्माइल तो देखो वैसे कमेंट तो बहुत वायात आएंगे शायद क्या कोई नहीं। तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, जल्दी जाओ ना, जाओ जल्दी जाओ। अस्सलाम वालेकुम, तो गाइस वो चले गए